13 वर्षीय स्कूली छात्रा हुई अपहरित। राजस्थान की भीलवाड़ा की युवक पर संदेह। ब्राह्मण समाज ने पुलिस अधीक्षक के नाम थाना प्रभारी को दिया ज्ञापन। बैरार थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर के कालामढ़ से कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक 13 वर्षीय किशोरी बिना बताए घर से लापता हो गई। किशोरी के लापता होने की रिपोर्ट परिजनों ने बैरार थाना पहुंचकर दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल नगर के कालामढ़ क्षेत्र में रहने वाली 13 वर्षीय स्कूली छात्रा बुधवार को दोपहर 3 बजे से लापता है। परिजनों ने जब किशोरी की तलाश की तो बस स्टैंड क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में किशोरी एक बस की ओर जाती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद किशोरी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने किशोरी के लापता होने की रिपोर्ट बैरार थाना पहुंचकर दर्ज कराई और पड़ोस में ही रहने वाले राजस्थान भीलवाड़ा के एक युवक पर किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने का आरोप लगाया है। 13 वर्षीय स्कूली छात्रा के अपहरण होने के 24 घंटे बाद भी पुलिस अपहृत किशोरी का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली से आक्रोशित ब्राह्मण समाज ने गुरुवार की शाम पुलिस अधीक्षक के नाम पर एक ज्ञापन बैरार थाने में दिया है और किशोरी को शीघ्र बरामद करने की मांग पुलिस से की गई है। अन्यथा की स्थिति में ब्राह्मण समाज बैरार ने शुक्रवार को थाने का घेराव और उग्र आंदोलन की चेतावनी पुलिस प्रशासन को दी है। कल 3 बजे रिपोर्ट कर दी आपने? जी सर, रिपोर्ट कर दी। उसके बाद क्या पुलिस का क्या कहना है, क्या कार्रवाई? कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची और क्या पुलिस बता रही है? छानबीन कर रहे हैं, बोले छानबीन कर रहे हैं, लोकेशन देखेंगे उसके बाद आगे। हाँ, ये जो आप ज्ञापन दिया है ब्राह्मण समाज सर्व ब्राह्मण समाज ने किस उसमें दिया है कि किस कारण से? जल्दी जल्दी छानी गई, बच्ची कार्रवाई की जाए। और यदि पुलिस द्वारा जल्द कार्रवाई नहीं की जा रही है तो ब्राह्मण समाज आगे क्या करेगा? करना रहेंगे, करना पड़ेगा। अच्छा।